नालंदा जिला में रक्षाबंधन के दिन शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश का मिला जुला रहा असर। जीएम के हाई स्कूल प्लस टू इस्लामपुर के प्रधानाचार्य ने दिया गजब सा जवाब। नालंदा जिला में आज बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश का मिला जुला असर देखने को मिला। कहीं शिक्षक नदारत रहे तो कहीं बच्चे, कहीं शिक्षकों की अनुपस्थिति कम रही तो कहीं बच्चों की। जवाहर कन्या प्लस टू विद्यालय झींग नगर के प्रभारी प्रधानाध्यापक कपिलदेव प्रसाद यादव ने बताया कि सभी शिक्षक यहां उपस्थित रहे लेकिन बच्चे नदारत रहे। यहां सिर्फ 10 बच्चे ही विद्यालय आए थे। इसी बीच जीएम के हाई स्कूल प्लस टू इस्लामपुर में ना तो बच्चे नजर आए और न ही शिक्षक। वहां मौजूद प्रधानाचार्य संजय कुमार रॉय ने गजब सा जवाब दिया। उनका यह कहना था कि उनके द्वारा सभी शिक्षकों को सूचना दे दी गई थी जो दूर से आते हैं कि उनकी इच्छा पर निर्भर है कि विद्यालय आए या न आए। प्रधानाचार्य का यह भी कहना था कि विद्यालय में शिक्षकों का उपस्थित न होना किसी आदेश का उल्लंघन होना नहीं है, बल्कि यह सब विभाग द्वारा अल्प समय में सूचना का नतीजा है। सर आपका शुभ नाम क्या हुआ? संजय कुमार जी। किस स्कूल के प्रधानाचार्य हैं सर? जीएम के हाई स्कूल प्लस टू हाई स्कूल। आज के पाठक के चीफ के द्वारा मतलब आदेश निकाला गया कि आज के दिन स्कूल खुला रहेगा, शिक्षक मौजूद रहेंगे स्कूल में, तो इस विद्यालय में आपके सिवा कोई भी शिक्षक मौजूद नहीं है, इसके प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? इसके प्रति मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं तो सबको इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन अब जो बाहर से आते हैं उनको अब इच्छा पर है, उसको इच्छा क्या कैसे जाना है? अपर सचिव का आदेश का अवहेलना आपके स्कूल के द्वारा? अवहेलना नहीं होती है, कोई भी नोटिस निकलता है, हम लोग पढ़ते तो इस समय 24 घंटा के लिए 24 घंटा खाली बिफोर 24 आवर ये ऑटोमेटिक अचानक निकाल देते हैं तो कैसे होगा? बिफोर 24 आवर 24 घंटा पहले निकलते को भी होकर। जी ठीक, धन्यवाद सर। आप प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं यहाँ के, क्या नाम हुआ आपका सर? संजय प्रसाद यादव। तो आप किस स्कूल के टीचर हैं? जवाहर कन्या प्लस टू विद्यालय झींग नगर। आज रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर जो के पाठक ने आदेश निकाला था स्कूल खुलने का, इसके क्या हो रहा है? स्कूल में हम लोग सभी शिक्षक उपस्थित है, उनके आदेशानुसार बच्चों की संख्या 9-10 है। मिलाज स्कूल ओपन रही है ना? हाँ, स्कूल खुला हुआ है, सभी शिक्षक उपस्थित हैं। इसी तरह आगे भी नालंदा से जुड़ी खबरों को जानने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।